लगाते हैं। अच्छा रहा मीटिंग, वीडियो खोल के बगल में है तो मेरे को समझना है कितने दिन हुए। 37 days सॉरी कल तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो कल संडे की उस मैराथन क्रिकेट और मस्ती और पार्टी के बाद बैंड बजी हुई है साहब, पूरी कमर उमर बॉडी, कल थोड़े डाई वाई भी मार दिए तो काफ़ी ज़ोर से हिल गया है पूरा। तो देखते हैं, आज बहुत काम है, हार्वेस्टिंग भी है और मैंने बहुत दिनों से गार्डन में स्टार्टिंग भी नहीं की थी तो आज गार्डन से ही शुरू कर रहा हूँ। तो काम भी दिखाऊंगा आपको, हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगा। एक नई चीज़ दिख रही, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब हुआ, सरप्राइजिंग, काफ़ी सरप्राइजेस होते हैं बीच बीच में गार्डन में आपके नेचर के साथ। तो बने रहिए, दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। सो टुडे इज हार्वेस्ट ऑल द ग्रीन्स बाय विनोद। कृष्णप्पा ऑल हार्वेस्टिंग अदूल फुल कट माड़ी, फुल रिमूव माड़ी, टमाटो ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಸ ಹೇಳ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ। हां 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 ಗುಡ್, ಸಾಸ್ವೆ ದೂನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ। हां ಸರ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿನಚ್ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಾಸ್ವೆ ಇದೆ ನೋಡು। ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ। ಸೋ ಈ ಸಬ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಜ್ ಹುಯಿ ಹೈ। ये देखिए ग्रीन्स, इधर पे भी ग्रीन्स है, सरसों के पत्ते हैं, ककड़ी है। सो ये सब बढ़िया ताज़ा ताज़ा। और ये मेरी चाय हर्बल टी। तो निकल गए, अभी जा रहे हैं कनिंगम रोड। आज बड़ा काम है बहुत सारा। गुड मॉर्निंग विनोद। चलो अरे कनिंगम रोड ना ऑफिस। सो गाइस एक और दिन की शुरुआत, मंडे मॉर्निंग। ऑल्दो होता है मंडे मॉर्निंग ब्लूज, बट व्हेन यू हैव प्रीफिक्स मीटिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट यू डोंट फील इट, एंड दैट इज द अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ was feeling very fresh and you know great। तो अभी जा रहा हूँ, अभी lot of work is there, my real estate work, 2-3 meetings are there of real estate, then I have to meet our society people, वो painting वाले का कुछ extra काम का कुछ final करना है। वो होने के बाद फिर कल के लिए एक वीडियो शूट खाऊ समिति के लिए कुछ प्लान करना है, तो एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। 2-3 जगह और पेंडिंग है, वो भी बनाना है, बट देखते हैं व्हाट हैपेंस। क्योंकि मैं जो है जब तक ओनर इंटरव्यू नहीं हो, खाली रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं है। एक ओनर इंटरव्यू और अंदर किचन दर्शन वो सब, तो ऐसी जगह पे जहाँ पर वो सब अवेलेबल हो वहीं पे जाके मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ऑडियंस वांट्स, एवरीबॉडी वांट्स टू सी कैसे होता है क्या होता है। तो आई विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड, देखते हैं क्या होता है। कल देवांश का बर्थडे भी है तो उसके लिए भी कुछ प्लान करना है। चलिए मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। सो पहुँच गए अपनी पहली डेस्टिनेशन में, और फर्स्ट मीटिंग इज हियर।
कंपनी है नियो फूड्स, उसके ऑफिस में है, वहीं जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं मीटिंग के बाद। आवर मीटिंग इज हियर इन दिस केबिन कॉन्फ्रेंस रूम। आई एम वेटिंग फॉर द अदर पीपल टू जॉइन मी फॉर द मीटिंग। चलो मिलते हैं मीटिंग वगैरह फिनिश करने के बाद। तो मीटिंग ओवर, केम आउट ऑफ द मीटिंग, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कोथनूर अनदर प्लेस। दिस आई एम गोइंग टू जस्ट सी व्हाट इज द सिचुएशन ऑन, यू नो, टुमारो शूट कर सकते हैं कि नहीं, वो देखने जा रहा हूँ खाओ समिति के लिए। बताते हैं, अच्छा रहा मीटिंग। बने रहिए। सो अभी सेकंड मीटिंग के लिए निकल गए। द प्लेस, वो जो एक जगह देखने गया था। अभी प्रॉब्लम क्या है, कर्नाटका में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो कल से वो कुछ सब रेस्टोरेंट्स विद यू नो लिकर लाइसेंस एंड ऑल विल बी क्लोज टिल आई थिंक 13th। तो वो जगह पे बोल रहा सर बंद रहेगा अभी नेक्स्ट 2-3 डेज, तो आप शूट कर नहीं सकते, उसके बाद फ़ोन कर लेना, हम बताते हैं आपको। सर कोई भी आए, सब चोरी हैं। अभी एक देखा था मैंने, एक MLA हमारे लोकल एरिया का रैली निकाल रहा था, तो जो मुझे मालूम है आई थिंक 10 साल से वो MLA है, 10 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था। अभी 10 साल में कोई बोलता है 500 करोड़ का एसेट है, कोई बोलता है 1000 करोड़ का एसेट है। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड, इतना पैसा बनाते कैसे हैं लोग, कैसी कैसा बिजनेस है पॉलिटिक्स, समझ में नहीं आता है। आई थिंक नो अदर बिजनेस यू मेक मनी लाइक हाउ दीज पॉलिटिशियंस मेक। क्या सोचते आप, सही कह रहा हूँ ना मैं? आपके MLA में आप देखिए, आप MLA कॉरपोरेटर अपने इलाके में एक छोटा सा स्टडी कीजिए कि उसने पिछले 2 टर्म में क्या, मतलब 10 साल से अगर वो है तो 10 साल पहले उसने क्या डिक्लेयर किया था अपना एसेट, अभी 5 साल पहले क्या डिक्लेयर किया, और फिर इस साल क्या डिक्लेयर किया, तो आपको पूरा तिया पाँचा मिल जाएगा कि भाई क्या कितना करप्शन है। ये तनख्वाह तो मिलती नहीं है इतनी, तनख्वाह तो हार्डली आई थिंक 1-1.5 लाख रुपये मिलते हैं, उसमें क्या होता है, ज़्यादा 2 लाख मिलते होंगे। तो ये जो 1000-1000 करोड़, 500-500 करोड़ बना लेते हैं ये लोग, आता कहाँ से ये पैसा? इसमें पब्लिक भी जिम्मेदार है, सोचती नहीं है, इमोशनल होके वोट देती है, सोच समझ के वोट देना चाहिए। आपने को तो ये समझ में आता है कि भाई ये जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, सबके पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे पॉलिटिशियंस के, जितना करप्शन से कमाया है, बिकॉज एवरीबडीज एसेट हैज टू बी स्क्रूटनाइज, आया कहाँ से ये पैसा, और जेन्युइन एजेंसी शुड स्क्रूटनाइज इट, अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग टैक्स देते रहेंगे, ये लोग हाथी की तरह मोटे होते रहेंगे। अक्रॉस द पार्टी लाइन्स इज द सेम सिचुएशन। सोचने वाली बात है, रिलेवेंट टॉपिक है, कल परसों कर्नाटका में इलेक्शन है, तो इसीलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। आप भी बताइएगा क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए मिलते हैं, हम दूसरी मीटिंग में जा रहे हैं।
मीटिंग खत्म करके आपको मिलते हैं। तो अभी घर आ गए हैं, ये एग्जिट गेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, टिल द टाइम पेंटिंग का काम चल रहा है उस वजह से एग्जिट गेट और एंट्री गेट एक ही हो गया है। बाद में माइसेल्फ एंड ध्रुव टुडे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यूट्यूब स्टूडियो ना, स्टूडियो खोल के ध्रुव बगल में है, तो मेरे को समझना है इसमें क्या है, कैसे काम करता है यूट्यूब एनालिटिक्स। तो आइए समझते हैं, आप भी देखिए मज़ा आएगा। अवर बेस्ट वीडियो का, गोवा फिश वाले वीडियो का व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और यहाँ 80,000 आपको दिखेगा। वीडियो जब अपलोड किया था धीरे धीरे बढ़ा, मतलब आफ्टर 12 डेज के बाद भागने लगा। उससे पहले तो बहुत धीरे था, फिर सडनली, क्योंकि मेरे को लगता है सैटरडे है, वीकेंड है, लोग गोवा जा रहे होंगे, दैट टाइम गोवा वॉज द प्लेस टू बी। तो उसके बाद तो इधर पकड़ा, मतलब ट्रैक्शन पकड़ा और भागा बहुत। और अभी भी भाग रहा है ना? हाँ, ये तो अभी भाग, जब तक लोग गोवा जाते रहेंगे तब तक वीडियो भागते रहेगा। ये इसके नीचे वाला क्या है ग्राफ? ये है आपका, मतलब कितने व्यूअर्स कितने समय तक देखे। जैसे अब आप देखोगे, इट्स अभी समर चल रहा है, मई का सीजन चल रहा है अभी, नहीं मतलब अभी सब लोग के अप्रैल एंड में, अप्रैल के स्टार्ट में सब लोग के मतलब छुट्टियां शुरू हो रही थी, कॉलेज, स्कूल। बेस्ट गोवा फिश, तो आप सर्च करते हो अगर बेस्ट गोवा फिश, क्योंकि बहुत लोग तो गोवा जा रहे होते हैं, तो एक ये वीडियो हमेशा आता है। ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, ऊपर व्यूज़ काफ़ी अच्छा है। तो मैं बोल रहा था ना आप लोगों के ब्राउज फीचर में, तो अब थोड़ा सा एकदम थर्ड वीडियो पे हमारा आता है, ये देखिए यहीं से व्यूज़ आते हैं हमारे इस वीडियो पे, क्योंकि लोग गोवा जा रहे हैं, वीडियो अच्छा है, तो यूट्यूब खुद इसको ऊपर पुश करते हैं। तो आप कीवर्ड देखोगे बेस्ट गोवा फिश, गोवा फिश, आप कुछ भी सर्च करो, गोवन फिश थाली, बेस्ट गोवा फिश, मतलब टॉप 5-10 में हमारे ही आते हैं। जैसे अगर आप गोवा फिश लिखोगे तो सारी रेसिपीज ही आती है, आपको ऐसे वीडियो नहीं दिखेंगे। जिन लोगों को किसी जगह जाना है गोवा में, वो लोग ऐसे सर्च करते हैं और हमारा वीडियो आता है ऊपर। तो यही है मतलब यूट्यूब का फंडा। बट ये एक और चीज़ जो रियलाइज़ कर रहा हूँ कि 10-12 दिन तक पेशेंस रहना चाहिए। 10-12 दिन नहीं, आपका वीडियो एक साल बाद भी भाग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यू नेवर नो, यू कांट एक्सपेक्ट इमीडिएटली फर्स्ट डे पे बहुत अच्छा चलेगा, कौन जाने कब आपका वीडियो पुश हो जाए अपने आप, मतलब हो सकता है तब तक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टाइटल थंबनेल तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे एक वीक आपने छोड़ दिया, तो हमने अपने खाओ समिति वाले वीडियो के टाइटल चेंज किए थे ऐसे ट्राई करने के लिए, नहीं चाहो तो फिर से चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद दीज थिंग्स, जब आप सीख जाओगे सीख जाओगे, अभी तो हम बिगिनर्स हैं उससे, तो हमारे पास काफ़ी सीखने को है, तब तक इसका तो टाइटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप दिस इज़ अ गोल्ड माइन फॉर व्यूज। तो देखते रहिए अब हमारा खाओ समिति चैनल कैसे बढ़ता है, अब इसी चैनल में आपको अपना प्रोग्रेस दिखता रहेगा, विनोजा व्लॉग्स में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, और अगर आपको किसी खाने के रिव्यू की जगह देखना है, प्लीज चेक आउट खाओ समिति। थैंक यू। ओके, चलो, दिस वाज द ज्ञान, और आज का ज्ञान अबाउट एनालिटिक्स एंड जो भी हमने लास्ट 30, आज हमको एग्जैक्टली कितने दिन हुए, 37 डेज यू नो यूट्यूब में वीडियोज डालते हुए, और इन 30 डेज में हमारा जो रहा है डेवलपमेंट इज प्रिटी गुड। वो व्लॉगिंग चैनल धीरे धीरे चल रहा है, बट अच्छा जा रहा है। तो आपने सुना, ध्रुव ने पूरा ज्ञान दिया, तो देखिए। हाँ, वो अभी प्लानिंग करनी है भाई, कल क्या करना है, कल देवांश का बर्थडे है, तो उसकी भी प्लानिंग करनी है, शूट भी करेंगे कल खाऊ समिति के लिए, जहाँ भी जाएंगे वहाँ शूट करेंगे। तो लेट अस सी। ओके, चलिए, ये था आज का ज्ञान, काफी कुछ सीखने को मिला है अबाउट यूट्यूब स्टूडियो, आपको भी बताया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए, कल तक के लिए, बाय, गुड नाइट।